उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज पुलिस चौकी दुबार कला में आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी ओम प्रकाश पटेल ने सत्य यात्रा न्यूज चैनल व प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशियों को उतार रही है, जिसका विशेष साक्षात्कार 96 विधानसभा प्रभारी ओम प्रकाश पटेल से विशेष बातचीत। आइए सुनाते हैं भूप नारायण मौर्य की इस खास रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के मिर्जापुर जनपद 96 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी ओम प्रकाश पटेल जी, जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से आप लोगों को जो है कि क्या जानकारी देना चाह रहे हैं लोगों को? ये जानकारी देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को सत्यात्रा न्यूज चैनल के और प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल के जितने भी पत्रकार बंधु हैं सबको पूरे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में, हर एक जगह पर ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय श्री केजरीवाल जी दिल्ली में काम करते हैं, उन्हीं को कामों को लेकर, उन्हीं के बड़ाई को लेकर हम लोगों ने एक विशाल रैली रखा है। सर, ये विशाल रैली, ये रैली जनपद मिर्जापुर के तहसील लालगंज थाना क्षेत्र के बापू उपरौद इंटर कॉलेज के सामने ठीक मैदान में रखी गई है। उसमें रैली आप वहाँ रखे मैदान में से रैली कहाँ तक जाएगी निकल कर? रैली निकल कर नहीं जाएगी, रैली उसी जगह होगी और वहाँ बहुत से लोग आएंगे और लोगों के द्वारा जो वहाँ पे प्रचार और भाषण किया जाएगा उसको सब एक ही जगह से। आपके उस रैली में जो बैठक होगी, बैठक का मुख्य अतिथि थे कौन होंगे या फिर और अधिकारी कौन कौन आए, क्या उद्देश्य है, लोगों को क्या जानकारी दी जाएगी? हमारे उस रैली के मुख्य उद्देश्य हैं किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव धर्मराज विश्वकर्मा जी और बहुत से लोग हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि सबकी एक ही तमन्ना है कि जो आज देश में किसानों के प्रति इतनी बड़ी आंदोलन छिड़ी है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उस आंदोलन को लेकर के वार्ता किया जाएगा। और साथ ही साथ दिल्ली के जैसा, जैसे दिल्ली में पानी हो गया, बिजली हो गया, शिक्षा हो गया, मेडिकल दवाई हो गया, ये सारा चीज मुफ्त में किया जा रहा है और हर एक गांव में MBBS डॉक्टर बैठा करके उनको अच्छे से अच्छे इलाज के लिए कहा जा रहा है, उसी को लेकर के ये मीटिंग रखी गई है। नहीं, आप किसान का जो वहाँ धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, लगभग ऐसा लग रहा है कि उसके समर्थन में ही आप लोग करने वाले हैं रैली जी, उसी के विषय में मीटिंग रखी गई है। अच्छा सर, आपने अभी बताया कि जो है आम आदमी पार्टी की एक बैठक चल रही है, ये उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की अगर जगह जगह बैठकें की जा रही हैं, आप ऐसा बैठक कभी कह रहे हो सुनने को मिला था और कहीं किया गया था जी। तो क्या आम आदमी पार्टी या मुख्यमंत्री केजरीवाल जी क्या उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने के मूड में है? जी, वो चुनाव लड़ने के मूड में वो तो नहीं है, लेकिन जितने उनके कार्यकर्ता चुने गए हैं वो चुनाव लड़ेंगे कहीं ना कहीं से और लड़ने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी जी? अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी, मान लीजिए सरकार ना ले गई, तो आप जैसे बताए कि वहाँ की सुविधा बहुत सारी चीज़ फ्री की गए हैं, तो क्या उस सुविधा को यहाँ भी लागू किया जाएगा? हाँ, उसी लिए तो यहाँ एक गांव-गांव में और क्षेत्र में और जिला में मीटिंग करके ये बताया जा रहा है कि अगर मेरी आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती है तो जो सुविधा वो दिल्ली में देती है वो यूपी में भी लागू की जाएगी। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।